कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज मैं हेयर के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जो कि आपका डाई का काम करेगा, आपका काले बाल का काम करेगा, प्लस शैम्पू का भी काम करेगा, यानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना साइड इफेक्ट के घरेलू चीज़ों से आपके साथ एक ऐसा डाई शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को काला भी करेगा, साथ ही साथ सिल्कीनेस करेगा, एंड शैम्पू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उस डाई में। और डाई नाम सुनते ही लोगों को सीधे से ये आ जाता है कि ये केमिकल है, बिकॉज इस ये डाई जो वर्ड है ये केमिकल ही है। मतलब अगर हम मार्केट से डाई लेने जाते हैं या फिर हम किसी और से डाई की बात करते हैं तो सीधे वो घरेलू नुस्खे में ना आकर के वो डाई को केमिकल से जोड़ देता है और मार्केट से, यानी कि इसमें केमिकल मिक्स है। सो गाइस, मैं यहाँ बता दूँ कि डाई जो हम मार्केट से इस्तेमाल करते हैं वो दिखने में कंसिस्टेंसी उसकी लिक्विड होती है, पाउडर में नहीं होती है। वो डाई अलग है, लेकिन जो हम घर में घर की चीज़ों से बनाते हैं उसको हम मार्केट वाली केमिकल डाई बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स अ नेचुरल एंड हर्बल। वो नेचुरल तरीके से घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों से हम उसको बनाते हैं। सो डाई हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि डाई जो वर्ड है वो ऐसा हम यूज़ करते हैं कि अपने बालों को एक बार में ही काला करने के लिए, यानी कि जैसे हम कलर कहते हैं बालों में लगाने के लिए, तो कलर लगाते हैं तो एक बार में ही, जब पार्लर जाके लगाते हैं तो एक बार में एकदम परफेक्टली वो कलर आ जाता है जो कि आप चाहते हैं। सो उसी तरीके से डाई को भी हम ये सोचते हैं कि डाई हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल में एकदम से ब्लैकिश कलर आ जाता है, और या फिर जो भी कलर आप चाहते हैं तो उस कलर की अगर आप डाई कराते हैं तो बिल्कुल ही वैसा कलर आ जाता है। सो वही चीज़ अगर हम घर पे बात करते हैं कि हम घरेलू चीज़ों से डाई बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये हर एक माइंड में ऐसा हो जाता है, लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ये मार्केट वाली डाई तो नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर कर दे रही हूँ, ये बिल्कुल मार्केट वाली डाई नहीं है, बिल्कुल घरेलू हर्बल आयुर्वेदिक चीज़ों से इसको तैयार किया गया है, और बिल्कुल आपके बालों को कंटिन्यूस आपको इसे लगातार लगाना है। अगर आप परफेक्शनली अपने बालों को ब्लैक कलर देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बार बार कोई भी चीज़ अप्लाई ना करनी पड़े, और आप ये भी चाहते हैं कि कोई और चीज़, यानी कि जो चीज़ अगर आप अपने बालों में लगा रहे हैं उसको कंटिन्यूस लगाने के बाद, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बार बार कोई चीज़ लगानी ना पड़े, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हफ्ते में आपको इतने दिन लगाना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रंग चढ़ने के बाद जब कलर अच्छे से चढ़ जाएगा उसके बाद आप महीने में एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको कंटिन्यूस अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ आपको अपने बालों में फ़र्क देखने को मिलेगी। आप स्टार्टिंग में अगर उसको दो तीन बार लगाते हैं तो उससे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता, कंटिन्यूस आप अप्लाई करेंगे तभी उस चीज़ का कलर आपको अपने बालों में देखने को मिलेगा। और एक बार जब उसका रंग चढ़ जाएगा तो यकीन मानिए गाइस, उसका रंग नहीं उतरेगा। आप महीने में एक बार भी उसको अप्लाई करेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कोई भी चीज़ अप्लाई जब आप करते हैं तो उसका जो कंटिन्यूस पीरियड होता है टाइम, उस एवरेज में उसको ज़रूर कंटिन्यू करिए। ये नहीं सोचिए कि दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया और नहीं हुआ तो बस उसको छोड़ दिया एंड अगेन दूसरी चीज़। और आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारी रेमेडीज लेकर के आती रहती हूँ तो हम कौन सा इस्तेमाल करें, ये करें या वो करें, हमें समझ में नहीं आता। सो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, जो आपको इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल कीजिए, कंटिन्यूस उसको इस्तेमाल कीजिए जितना टाइम तक उसको बताया गया है। उसके बाद अगर अदर चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो उसके लिए आप 1 वीक का गैप दीजिए, यानी अपने बालों में आप कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद आप अनदर रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी रेमेडीज बताती रहती हूँ, सो इतनी सारी रेमेडीज़ हैं, मैं आप सबके साथ वो सारी रेमेडीज शेयर करना चाहती हूँ, चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर हमारे हेयर से रिलेटेड हो। बहुत सारे सॉल्यूशन एंड बहुत सारी रेमेडीज़ हैं इसके ऊपर। सो मैं हर तरह की रेमेडीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जो भी सूट करे, जो आपको ईजी पड़े, जो आपको बिल्कुल घरेलू पड़े, वो चीज़ आप अपने स्किन पे, बालों पे या फिर हेल्थ पे अप्लाई करें। सो चलिए, बात हो गई है बहुत ज़्यादा और स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी को। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस रेमेडी को लाइक कर दो एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, यहाँ पे लेना है आपको लोहे का बर्तन, लोहे की कढ़ाई, इसको अच्छे से आपको गर्म कर लेना है, यानी कि गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है, कढ़ाई आपकी एकदम गर्म हो जानी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कढ़ाई धीरे धीरे बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है, रेड हो रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे ड्राई आंवले को भूनना है। तो कढ़ाई हमारी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गई है, ये देखिए।
तो ये जो कढ़ाई है मेरी वो छोटी है और इसकी जो नीचे की जो परत होती है वो पतली है, इसलिए आपको ये ज़्यादा ही डार्क कलर में दिख रही है, बट ये नॉर्मल है। और मैंने यहाँ पे अब गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दिया है, यानी कि हाई नहीं है। हाई में हमें इसे गर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ हम अपने वेसल को गर्म करना है, उसके बाद इसे नॉर्मल एकदम सिम कर देना है, यानी कि एकदम ही कम कर देना है गैस का फ्लेम। एंड आंवले को, ड्राई आंवले को हमें यहाँ पे रोस्ट करना है, तो आंवले को बहुत ही धीमी आंच पे रोस्ट करना चाहिए, नहीं तो आंवला अच्छे से हमारा रोस्ट नहीं होता। आंवले को हमें अंदर से भी उसको रोस्ट करना है, इसलिए हमें इसे धीमी आंच पे ही रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गैस का फ्लेम तेज कर देंगे तो आपका जो आंवला है ये ऊपर से तो रोस्ट हो जाएगा बट अंदर से बिल्कुल रोस्ट नहीं होगा। सो हमें इसे इसी तरीके से धीरे धीरे, मतलब अंदर से रोस्ट करना है, और इस प्रोसेस में आपका लगभग 15 से 20 मिनट, इतना टाइम ये ले सकता है क्योंकि आंवले को रोस्ट होने में टाइम लगता है। सो धीरे ही मध्यम आँच में एकदम डाउन स्लिम जो होता है फ्लेम, उसमें आपको इसे रोस्ट करना है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कलर्स का चेंज हो रहे हैं, आंवला हमारा रोस्ट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं इस टाइम अब आंवला हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। सो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे एंड इसके बाद डालना है हमें यहाँ पे शिकाकाई। तो शिकाकाई भी ड्राई ही है, इसको भी हमको उसी तरीके से ड्राई करना है, और गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे भी डाउन ही रखना है बिकॉज शिकाकाई बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। सो गैस का फ्लेम आपको तेज नहीं करना है, थोड़ा इसको रोस्ट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी रोस्ट हो गई है। सो इसे भी हम निकाल लेंगे अनदर बर्तन में, मतलब किसी भी आप प्लेट में निकाल लीजिए या बाउल में निकाल लीजिए। सो इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे एंड इसके बाद हमें यहाँ पे निकालने के बाद इसको हमें ऐड करना है यहाँ पे रीठा। सो यहाँ पे रीठा मैंने लिया है ओनली 5, यानी 5 रीठा लिया है, इतना सफिशेंट है। एंड इसको भी अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट की हुई चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हेयर के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। सो ये भी देखिए हल्का हल्का रोस्ट होना शुरू हो गया है। सो ये रोस्ट होते होते और बाकी जितनी चीज़ें हैं उन सभी को हम एक साथ यहाँ मिक्स कर देंगे एंड इनको एक साथ यहाँ पे रोस्ट नहीं करना है क्योंकि आंवला फिर इस तरीके से आपका यहाँ पे ड्राई रोस्ट नहीं हो पाएगा। सो ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब इसमें ऐड करना है पानी आपको, और पानी इतना ऐड करना है ताकि हमारा ये जो तीनों चीज़ है वो अच्छे से इसमें भीग जाए, यानी कि हमें इसे फुलाना है ताकि हम इसका एक अच्छा फाइन पेस्ट बना पाएँ। सो वो पेस्ट बनाने के लिए आपको पानी की मात्रा इतनी करनी है कि ये तीनों ही चीज़ अच्छे से पानी में डूब जाए। सो इस तरीके से आपको थोड़ी देर और इसमें रहना ही है, मतलब फ्लेम यहाँ पे मैंने बंद नहीं किया है, आपको एक उबाल बॉयल और आ जाए इसके बाद आपको यहाँ पे फ्लेम को बंद करना है। इतना पानी सफिशियंट है, और ये पानी आपका बाद में यूज़ हो जाता है जब आप इसको ग्राइंड करते हैं, उस टाइम ये पानी आपका यूज़ हो जाएगा, तो आपको अनदर पानी लेने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये वो पानी है जिसमें आपका आंवला, शिकाकाई एंड रीठे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाते हैं। सो यहाँ पे एक बॉयल करने के बाद, हल्का सा एक बॉयल आएगा, उसके बाद आपको गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देना है और इसे हमें छोड़ देना है ढक के रात भर के लिए ताकि ये अच्छे से भीग जाए और एकदम अच्छे से फूल जाए जिससे हम सुबह इसका पेस्ट रेडी कर सकें। सो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक दिन पूरा लगता है ये पूरा प्रोसेस करने में, तो एक दिन पहले रात में आपको इस तरीके से करना है एंड सवेरे ही आप इसको अच्छे से मिक्सी में पीस सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है और छोड़ देंगे इसको ओवरनाइट के लिए। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो उसका कलर भी चेंज हो गया है, और साथ ही साथ हमारा जो हमने यहाँ पे रीठा, शिकाकाई एंड आंवला को भिगोया था ये भी अच्छे से भीग गया है। ये हमारा रीठा है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसका जो बीजा है ये अंदर से निकल आ रहा है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें यहाँ पे ग्राइंड करना है, पीसना है, तो ये अच्छे से फूल गया है। और हमारा आंवला जो है वो भी अच्छे से यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ही भीग गया है, एंड इसी तरह से हमारा शिकाकाई भी अच्छे से यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसको चलिए ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में।
तो गाइस तीनों ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है और आपके सामने मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया था और क्वांटिटी कितनी कम थी, बट पीसने के बाद जब हमने इसको ग्राइंड किया उसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गया है। अभी इसमें हमें दो चीज़ और ऐड करनी है ताकि एक परफेक्शनल इसका कलर हमारे बालों में चढ़े। और यहाँ पे देखिए इसको अप्लाई मतलब हाथ से छूते भर में ही हमारे मेरे हाथों का कलर जो है वो अपने आप ब्लैक हो गया है, बिना किसी मेहंदी या बिना किसी डाई को अप्लाई किए बगैर ही यहाँ मेरे हाथों का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। सो ये बेनिफिट होते हैं हमारे आंवला रिठाइन शिकाकाई के। शिकाकाई इस्तेमाल किया गया है इसमें, इसमें आप अच्छे से जानते हैं शिकाकाई एक अच्छा शैम्पू कंडीशनर का काम करता है। सो यहाँ पे हमें ऐड करना है मेथी पाउडर। मेथी पाउडर जो है वो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, आपके बालों का जो थिनिंग है उसको और मजबूत करता है, यानी और थिकनेस इसकी बढ़ाता है। सो 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मेथी पाउडर आपको ऐड करना है इसमें। मेथी पाउडर जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो वो मेथी पाउडर यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल करें। एंड मेथी पाउडर आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे हरण पाउडर इस्तेमाल करना है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हरण क्या है, तो हरण को कुछ लोग हर्रे भी कहते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने के लिए, यानी आप जो खाना खाते हैं आहार लेते हैं उसको अच्छे से कब्ज़ को मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने के रूप में। एंड इसका इस्तेमाल आपके बालों के लिए भी किया जाता है, ये आपके बालों की थिनिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको भी हमें यहाँ पे लगभग 2 चम्मच ले लेना है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसमें एक्स्ट्रा हमें पानी नहीं डालना है, बिकॉज हमने जिस पानी के साथ इसको सोक करने के लिए रखा था उसी पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे पीसना है, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा नहीं पीसता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है और जब तक आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये नहीं पीसेगा। सो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इसको पीस सकते हैं और एक अच्छा इसका बैटर रेडी हो जाता है, जो कि आपके सामने है, आप देख ही सकते हैं। अगर आप सब कुछ करके देख लिए हैं फिर भी आपके बाल काले नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे 1000% गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया तो निसंदेह आपके बाल इतने काले होंगे कि अगर 1 मंथ में आप एक बार भी इसको अप्लाई करेंगे ना, तो भी आपको बालों में कुछ और लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो ये पैक हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है पूरी तरीके से, और आप देख सकते हैं कितना गफ़ी कितना फ्लफ़ी है ये बिल्कुल। इस पैक में शैम्पू भी है, यानी कि शिकाकाई है इस पैक में, और हाथों का कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल ही काला हो गया है। तो ये पैक आपको लगा के छोड़ देना है 3 घंटे के लिए अच्छे से इसका कलर चढ़ने के लिए आपके बालों पे। उसके बाद आपको वॉश करना है नॉर्मल पानी से। एंड जब आप वॉश करेंगे तब आप खुद देखेंगे कि आपके बालों में एक झाग सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिकाकाई ऐड है और शिकाकाई जो है एक बहुत अच्छा कंडीशनर एंड शैम्पू का काम करता है। इसके बाद आपको ऑयलिंग करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको शैम्पू करना है किसी हर्बल शैम्पू से जो कि सल्फेट एंड पैराबीन फ्री हो। मैं इसे अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाती फ्रेंड्स, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ यहीं पे। मैं जा रही हूँ इसको अप्लाई करने अपने बालों में। आप लोग भी इस तरीके से बनाइए एंड इसको यूज़ कीजिए, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए गाइस फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ढेर सारा लाइक एंड सपोर्ट दीजिए इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।